भारत में लगभग 10 लाख लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं, जिनमें से 60,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन सर्पदंश के पश्चात उसके ऊपर होने वाले इलाज की कुछ बुनियादी चीजों की सही जानकारी से आप अपनी और अपने चाहने वालों की जान बचा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही जानकारी से अवगत कराने वाला हूं, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सर्पदंश के पश्चात अपनी और अपने चाहने वालों की जान बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं कोबरा एनजीओ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के अंदर सांपों की लगभग 350 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 60 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। इन 60 प्रजातियों में से भी मुख्य रूप से 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि भारत में सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों की सर्वाधिक जिम्मेदार है। हालांकि भारत देश में अन्य दूसरे देशों की अपेक्षा जहरीले सांपों की तादाद कम है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर सर्वाधिक मौतें सांपों के काटने से हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी सर्पदंश होने के बाद आप कैसे अपने बचने की संभावना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ चीजों को होना बहुत जरूरी है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। अगर कभी भी आप खेतों में काम करने के लिए जाते हैं या ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर सांपों का आवागमन अधिक होता है, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता है और हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक स्क्रैप बैंडेज। अगर आपके पास स्क्रैप बैंडेज नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास होना चाहिए एक इंजेक्शन वाला सिरिंज या फिर ब्लड शक्कर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही चीप रेट में और बहुत ही अच्छे सस्ते जामों पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक ब्लड शक्कर को सिरिंज के माध्यम से बना सकते हैं। एक ये सिरिंज है दोस्तों, ये आपके पास अगर होगा तो ये ब्लड को शक करने में बहुत ही हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए एक ब्लेड, जिससे कि हम सिरिंज को काटकर एक ब्लड शक्कर का रूप दे देंगे। कभी भी अगर सर्पदंश हो जाता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जितना अधिक आप घबराएंगे, जितना आप डरेंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही तेज होगा और बॉडी के अंदर वेनम को पहुंचने में उतनी ही सरलता होगी। इसलिए आप थोड़ा सा कूल रहें और धैर्य से काम लें। सबसे पहले आप एक ब्लेड को लेकर इस इंजेक्शन को खोलकर इसकी निडल को हटा देना है और इसे इस ब्लेड की सहायता से इस तरह से एक शक्कर का रूप देते हुए कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लेड की सहायता से, इस सिरिंज से मैंने एक ब्लड शक्कर का रूप दे दिया है। जब कभी भी आपको सर्पदंश हो जाए तो काटे हुए स्थान पर आप इस ब्लड शक्कर को लगाकर, मान लीजिए यहाँ पर किसी को सर्पदंश हुआ है और यहाँ पर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी उस ब्लड को अपने मुँह से चूसने की गलती ना करें, क्योंकि मुँह से चूसने पर ब्लड बाहर नहीं आएगा, वेनम भी बाहर नहीं आएगा। जबकि हल्का फुल्का वेनम अगर बाहर आया और चूसने वाले के मुंह के अंदर कोई भी अल्सर या कोई भी कट हुआ तो उसके ब्लड में भी उस वेनम का जाने की संभावना बनी रहती है, जिससे कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन चूसने वाले को ज़रूर नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ में एक इंजेक्शन रखें, एक सिरिंज रखें, उसको ब्लड शक्कर का रूप देकर इस तरह से लगाकर इसे आप इस तरह से खींचें। जब आप इसे इस तरीके से खींचेंगे तो उसके साथ में ब्लड भी बाहर निकलेगा और ब्लड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वेनम की मात्रा भी बाहर आ जाएगी और आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही आप स्क्रैप बैंडेज का भी यूज़ करें। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर सर्पदंश हुआ है तो आप स्क्रैप बैंडेज को ऊपर से लेके इस तरह से आप इसे नीचे की तरफ बांधते हुए आएँ। और इस स्क्रैप बैंडेज को बांधते समय आपका दबाव ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको दबाव इतना रखना है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका फ्लो थोड़ा स्लो हो जाए,
बिल्कुल अगर फ्लो रुक जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड जो है वो मांस गैंग्रेन कर सकता है और आपको अपना हिस्सा गंवाना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए आप किसी भी रस्सी से या किसी भी कपड़े से कभी भी उसको कस के ना बांधें। इस स्क्रैप बैंडेज की सहायता से आप अपने पूरे हाथ पर इस तरह से हल्का दबाव देते हुए इस तरीके से बांध लीजिए, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा और आपके ब्लड में वेनम धीरे धीरे फ्लो करेगा और आपके बचने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। इस तरह से बांधने के बाद सबसे ज़रूरी काम आपको करना है कि जल्द से जल्द किसी अस्पताल में पहुंचना है, जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। कभी भी झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र और देसी इलाज के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों, क्योंकि जहरीले सांप के काटने के पश्चात ऐसी कोई भी चीज़ें काम नहीं आती और आपकी जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है। और भारत में बना हुआ सर्प के ही जहर से बना हुआ एक एंटी वेनम सीरम, जिससे कि आपका इलाज होगा और उसी से ही आपकी जान बचेगी। ये सब जो तरीके हैं, सबको करने के बाद आपको घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा अपनी जान को बचाने के लिए। तो दोस्तों, यही है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्नैक बाइट के बाद आप कैसे अपनी जान को बचाने की संभावना को 70-80% बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के बाद भी आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और अगर आप इस उपाय को करके घर पर बैठने की सोचते हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।